नमस्कार दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसका एक टॉपिक अभी तक मैंने नहीं समझाया था और वह टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है। तो आज मैं उस टॉपिक को समझा रहा हूँ जिसका नाम है एयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इसकी आज मैं वर्किंग समझाऊंगा विथ डायग्राम, जिससे आप एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो डायग्राम बनाकर उसे एक्सप्लेन कर सके। और यहाँ पर आपको इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी दिख रही होगी, लेकिन एप्लीकेशन के अंदर यह जो डेफिनेशन और वर्किंग हिंदी और इंग्लिश में विद डायग्राम में अपलोड कर दूंगा, तो उसको जरूर देख ले। अब चलते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, इसको यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसा इसका नाम है यहाँ पर लिखा है ईयर, ईयर का मतलब पूरा वर्ष से होता, मतलब पूरे साल से होता है। साल का मतलब है हमारे जो साल है उसके अंदर थ्री टाइप के मौसम में परिवर्तन होता है। पहला गर्मी होता है, सर्दी होता है और बरसात होता है। तो जो ह्यूमन है उसके कंफर्ट के अनुसार अलग अलग टाइप के एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज किए जाते थे, जैसे कि विंटर एयर कंडीशनिंग विंटर में और समर एयर कंडीशनिंग समर में। लेकिन एक ऐसा एयर कंडीशनिंग और बन चुका है जो पूरे साल एक ही एयर कंडीशनिंग को हम उपयोग कर सकते हैं मौसम के अकॉर्डिंग, उसी का नाम है एयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। यह एयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि हमारी सर्दी आती है तो सर्दी में हमारे रूम को यह गर्म कर सकता है और गर्मियों में हमारे रूम को क्या कर सकता है, ठंडा कर सकता है। इस टाइप का एक एयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है। इसके अंदर जो हमारा विंटर एयर कंडीशनिंग है और समर एयर कंडीशनिंग है, दोनों के इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। इस टाइप से क्या करता है, ये दोनों का काम कर सकता है। तो इसकी जो वर्किंग है वह हम डायग्राम समझेंगे, तो डायग्राम में जो इक्विपमेंट यूज किए जाएंगे उनको भी समझेंगे, जिससे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। यहाँ पर आप ये समझ गए होंगे कि एयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है और कहाँ पर और कैसे उपयोग होता है, बस हमें इतना याद रखना है। चलते इस डायग्राम को बड़ा करके इसकी वर्किंग समझते हैं। अब मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सबसे पहले इसके इक्विपमेंट ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, क्योंकि जो अब मैं समझाने वाला हूँ उसी टाइप से आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एयर डैम्पर लिखा हुआ, क्या लिखा है, एयर डैम्पर। यह ऑटोमेटिक तरीके से ओपन होता है और बंद होता है। इसके थ्रू क्या होती है, जो हमारी एटमोस्फेरिक एयर है, आउटसाइड एयर है, फ्रेश एयर है, वह यहाँ से अंदर आती है। क्या आती है, अंदर आती है। यहाँ पर लगा एक फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर क्या करता है, जो भी एयर आती है उसमें जो डस्ट के पार्टिकल वगैरह है उनको क्या करता है, फिल्टर कर देता, मतलब हटा देता है। नेक्स्ट क्या, कूलिंग कॉइल लगी है, क्या लगी, कूलिंग कॉइल लगी है, जो क्या करता है, जब भी हमें जो हमारा कौन सा गर्म गर्मी वाला मौसम होता है, गर्मी में हमें ठंडे की जरूरत पड़ती तो हम क्या करते हैं, कूलिंग कॉइल को एक्टिव करते, इसलिए यहाँ पर कूलिंग कॉइल लगी रहती है। और हमारा जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें हम कूलिंग कॉइल को बंद करते, डीएक्टिवेट रखते। ह्यूमिडिफायर लगाया है, ह्यूमिडिफायर मतलब आप लोग जानते होंगे, ह्यूमिडिफायर क्या करता है कि क्या करता है, जो भी हमारी ह्यूमिडिटी है, जिसका मतलब होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब आप लोग जैसे जानते होंगे कि एयर में जो मॉइस्चर है पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो ह्यूमिडिफायर क्या करता है, जो हमारा सर्दियों का मौसम होता है उसमें क्या करता है, जो भी हमारी ह्यूमिडिटी है उसको बढ़ाता है, ठीक है, मतलब एयर में क्या होता है, जो हमारी एयर है उसमें मॉइस्चर को बढ़ाता है। इधर हीटिंग कॉइल लगी हुई है, हीटिंग कॉइल मतलब सर्दियों में काम करेगी, जब भी हमारे रूम को गर्म करना हो तो ये क्या करेगी, हीटिंग कॉइल वहां पर क्या करेगी, हमारे टेम्परेचर बढ़ाने का काम करेगी। नेक्स्ट फैन लगा हुआ, फैन क्या करेगा, जो भी हमारी एयर है इसको खींच कर हमारी जो कंडीशन स्पेस है, मतलब जहां पर हमारा रूम वगैरह उसमें ले जाने का काम करेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो भी एयर यहाँ से हमारी जो यहाँ पर जो रूम को मान लो गर्म कर रहा है, ठंडा कर रहा है, उसको करने के ठंडा या गर्म करने के बाद जो हमारी एयर बाहर जाएगी उसको हम फिर से रिसर्कुलेटेड कराते हैं कुछ पार्ट उसका। तो हम रिसर्कुलेटेड मतलब वह पार्ट जो जिसमें थोड़ा सा, या तो अगर मान लो सर्दियों में यूज कर रहे हैं थोड़ा सा उसमें हीट है मौजूद है तो वह पार्ट, या फिर गर्मियों में जिसमें हमारा क्या होता है, हम ठंडा करते रूम को, तो ठंडी एयर है जो काम की है उसको रिसर्कुलेट कराते हैं। कहने का मतलब जो भी हमारी कुछ पार्ट होता है एयर का उसको हम रिसर्कुलेट कराते हैं, ठीक है। तो ये इतने इक्विपमेंट है, इन्हीं को हमें एक्सप्लेन करना, तो मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की, अब वर्किंग समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से फ्रेश एयर है वह जो हमारी डैम्पर लगी यहाँ से अंदर आती है
और जो रिसर्कुलेटेड एयर है, जो हमारी कुछ एयर का जो उपयोग कर रहे हैं वह यहां से आती है। तो दोनों जो आउटसाइड एयर और रिसर्कुलेटेड एयर दोनों यहां पर मिक्स होती है। मिक्स होने के बाद क्या होती है, सबसे पहले फिल्टर के अंदर जाती है, इसके अंदर फिल्टर के अंदर जाती है। फिल्टर के अंदर जैसे मैं बता चुका हूं, जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह धूल वगैरह हुआ यहां से क्या होती है, पूरी फिल्टर हो जाती है, मतलब छन्नी की तरह छान दी जाती है। तो फ्रेश एयर हमारी होती है वह आगे बढ़ती है। अब जैसे मैंने मान लिया हम कौन सा मौसम है, हमारा गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों के मौसम में क्या करना पड़ेगा, जो हीटिंग कॉयल है इसको क्या करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट कर देते हैं, मतलब इसको बंद रखते हैं, हम सिर्फ कूलिंग कॉयल को ऑन रखते हैं। कूलिंग कॉयल के साथ साथ यह क्या करता है, डिह्यूमिडिफिकेशन का भी काम करता है। तो कूलिंग का काम क्या करता है, क्योंकि डिह्यूमिडिफिकेशन मतलब उसके मॉइस्चर को, जो एयर के अंदर मॉइस्चर रहता है उसको भी हटा देता है, जिससे हम जानते हैं मॉइस्चर जब तेज होता है या ज्यादा होता है तो हम देखते हैं हमें गर्मी लगती है, पसीना छूटता है। तो यह क्या करता है, यहां से मॉइस्चर को भी हटा देता है, तो मॉइस्चर को भी हटाएगा और कूलिंग का करने का भी काम करेगा। तो यहां से जो एयर गुजरेगी उसको ठंडा करेगा और मॉइस्चर को हटा देगा, डिह्यूमिडिफाई कर देगा। डिह्यूमिडिफाई करने के बाद या फिर कूल ठंडी होने के बाद जो एयर आगे बढ़ेगी वह कहां से बढ़ेगी, यहां से अंदर आएगी। इसके अंदर से क्या करेगा, जो फैन लगा हुआ हुआ एयर को तेजी से खींचेगा और ऊपर की ओर सर्कुलेट करेगा, जिस रूम में हमें ठंडा रखना है, जिस रूम में हमें एयर को भेजना है, फिर जो बची हुई एयर वो कहां से फिर से रिसर्कुलेट होगी। इसी तरह फिर से प्रक्रिया चलती रहती है हमारी। जैसे मान लो हमारा सर्दियों का मौसम है तो उसमें हम क्या करते हैं, रूम को गर्म रखना है, तो यहां से जो एयर आ रही फ्रेश एयर और जो यहां से रिसर्कुलेटेड आ रही है, दोनों फिर से वही वैसी प्रक्रिया चलती, मिक्स होती है, फिल्टर के अंदर जाती है, फिल्टर होती है। अब इसके अंदर जब सर्दियों का मौसम है तो हमारा कूलिंग कॉइल है उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देंगे मतलब बंद रखते हैं। बंद रखने के बाद फिर से हमारी एयर जाएगी तो जी ह्यूमिडिफायर लगा रहता है, ह्यूमिडिफायर भी क्या करेगा, मॉइस्चर को ऐड करेगा, जिससे और गर्मी पैदा हो सके, मॉइस्चर को ऐड करेगा और फिर वह एयर कहाँ जाएगी, हीटिंग कॉइल के अंदर जाएगी। हीटिंग कॉइल के अंदर मतलब गर्म होती जाएगी एयर, गर्म होगी तो कहाँ से जाएगी, फैन के अंदर जाएगी, फैन के अंदर से फिर से कहाँ जाएगी, जो भी हमारा कंडीशन स्पेस है जहां पर हमें क्या करना, एयर को गर्म करके भेजना है, जहां पर हमें रूम को गर्म रखना है उसके अंदर जाएगी, तो उस रूम को ये गर्म रखेगी। हमें इस तरह नॉर्मली एक्सप्लेन करना, ज्यादा से ज्यादा ऐसे ह्यूमिडिफायर क्या होता है, डिह्यूमिडिफायर क्या होता है, इस तरह बहुत सारी थ्योरी रहती है, लेकिन इस टाइम हमें एक्सप्लेन ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें नॉर्मल वर्किंग समझाना है और जो यहाँ डायग्राम बने हैं उनको वर्किंग के साथ साथ समझाते हुए चलना है कि किस तरह समझाएंगे। जैसे कि यहाँ पर डैम्पर लगा, डैम्पर का काम है कि ऑटोमेटिक एयर को अंदर रखना और वह क्लोज हो जाता है, तो इसलिए डैम्पर क्या हो, जब एयर बाहर से अंदर आती तो ओपन हो जाता है और वह अंदर आती है। जैसा कि जैसे एयर यहाँ से अंदर आएगी और रिसर्कुलेटेड एयर हमारी हमारी क्या हुई, रूम से बाहर आती है वह, और जो हमारी फ्रेश एयर दोनों मिक्स होती है, दोनों मिक्स होके फिल्टर के अंदर जाएंगी। फिल्टर का काम है यहाँ पर एयर को फिल्टर करना। इस तरह हमारी जो एयर फिल्टर होके फ्रेश एयर हमारी कूलिंग केयर या फिर जैसा भी कूलिंग कॉइल के अंदर जाएगी। यदि हमें वहां पर लिखना पड़ता कौन सा हमारा, जो भी हमारा सर्दियों का मौसम या गर्मियों का मौसम, उसके अकॉर्डिंग हम लिखते चले जाते हैं कि किसको हमें एक्टिवेट रखना है, किसको डीएक्टिवेट रखना है, और समझाते हुए दोनों को चलना है कि हमें अगर सर्दियों के मौसम में उपयोग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसा लिख देते हैं कि कूलिंग कॉइल उसको हम डीएक्टिवेट रखेंगे और हम हीटिंग कॉइल को एक्टिवेट रखेंगे, और आगे उसी में लिख देंगे जब हमारा गर्मियों का मौसम होता है तो हम कूलिंग कॉइल को एक्टिव रखते हैं और जो हमारी हीटिंग कॉइल उसको डीएक्टिवेट रखते हैं। इस तरह समझाते हुए पूरा बड़े अच्छे से समझा सकते हैं, उम्मीद है आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। और कोई प्रॉब्लम आती तो पीडीएफ हम ऑलरेडी प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहां भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे यदि उसको पढ़ लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।